Hi everyone, my name is Dhruv and you're watching me on Rolling Frames Entertainment. So right now, I will not talk about investments, but I will talk about what investors can give you apart from investments. I will not talk about corporates, but I will talk about what corporates can give you apart from investments. So ये थोड़ा similar है, लेकिन इसमें बहुत differentiation है कि आपको investors से सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, आपको corporates से सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है. इसके अलावा भी ये लोग बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं. जब भी हम एक नॉर्मल फाउंडर इन्वेस्टर्स के नाम सुनते हैं तो वही बोलते हैं मुझे फंडिंग मिल जाए, मेरा प्रोडक्ट बना लूँगा, मैं कंपनी स्केल कर लूँगा, मैं अपनी टीम हायर कर लूँगा, मैं एक बड़ा ऑफिस ले लूँगा. ये सब तो ठीक है, इन्वेस्टर्स पैसा ही देते हैं. दैट इज़ वॉट दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स. कॉरपोरेट्स भी पैसा देते हैं, लेकिन वॉट other benefits they give you can add lot of value to the business, can add lot of value to the team, can add lot of value to the technology. For example, investors, agar aap kisi bade investor se funding uthai hai aapne and they are talking to you, they work with you in every aspect. Let's put it like this, I will not name the investor, I will say tier 1 investor and tier 1 corporate, right? So tier 1 investor means bahut bada investor. अगर आपने उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा डाला है आज की डेट में, फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स दे हैव देयर बिजनेस सर्विसेज टीम वेयर विच दोज गाइज वर्क विद पोर्टफोलियो एंड हेल्प देम इन बिजनेस. एंड व्हेन आई से बिजनेस, बिकॉज दे आर वेरी वेल नेटवर्क ग्लोबली, दुनिया की हर बड़ी कंपनी में उनके कनेक्ट्स होते हैं जो आप स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो करने में, बिकॉज उन्होंने आप में पैसा इन्वेस्ट किया है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्वेस्टर अमेजोन के साथ काम करता है और एक उस इन्वेस्टर ने किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है इंडिया में, तो वो इन्वेस्टर मेक श्योर अमेजोन के लॉन्च पैड पर जाओ और आपको एक्सेस मिलेगा 300 मिलियन कंज्यूमर्स का ग्लोबली, जो कि उस स्टार्टअप को हेल्प करेगा बिजनेस ग्रो करने में. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स प्रोवाइड यू. अगर आपको कुछ ऐप गूगल प्ले में या गूगल स्टोर में आपको कुछ लीगल या ऐप की कुछ प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स विल मेक श्योर दे विल टॉक टू द गूगल गाइज एंड हेल्प यू एंड गेट सॉर्टेड आउट विद दैट. सो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक इन्वेस्टर है वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगा, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए, रेवेन्यू अच्छा आना चाहिए, ट्रैक्शन होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो तभी इन्वेस्ट करेगा. लेकिन जब वो इन्वेस्ट करेगा, दैट हिज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू टू हेल्प यू ग्रो. दैट इज़ वन ऑफ द एनेक्डोट्स आई वॉन्टेड टू शेयर ऑन दैट. बट उसके अलावा कॉरपोरेट्स, अब जितने भी एंटरप्राइज स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्राइज टेक स्टार्टअप्स होते हैं, they want to work with corporates because corporates act in, it's adding a lot of value in Indian startup ecosystem. And when I say that, believe you me, jitne bhi corporates hain India mein, because of them Indian startup ecosystem have got mature. Obviously government help kar rahi hai, investors to hain kyunki unko invest karna hai, that is their business. Lekin jo maturity aayi hai startups mein, jo ecosystem mein maturity aayi hai, wo sirf corporates leke aaye hain pichle 3 saalon mein. और वो कैसे है, अभी क्या होता है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो ग्लोबल, उनके ग्लोबल कस्टमर्स होते हैं एंड उनको भी यूज़ केसेस चाहिए होते हैं. अगर कोई एक्स वाई जी यूज़ केस पे काम कर रहा है और एक कॉर्पोरेट बाहर से आया इंडिया में कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन दीज स्टार्टअप्स, आई वांट टू वर्क विद दीज स्टार्टअप्स एज अ वेंडर, तो ये क्या करते हैं, ये यूज़ केसेस उठाते हैं, या तो तुम्हें एक्वायर कर लेंगे अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे और एक्वायर करके अपना टैलेंट को सेव कर लेंगे. अगर मैं एक कॉर्पोरेट से बात कर रहा हूँ एज अ फाउंडर, मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. कॉर्पोरेट्स आप में तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर आपकी टीम अच्छी है. ये इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं, कॉर्पोरेट्स भी देखते हैं, क्योंकि वो भी इन्वेस्टर्स ही हैं. दे आर नॉट गिविंग यू कैश, बट दे आर हेल्पिंग यू इन एवरीथिंग. दे आर हेल्पिंग यू इन गो टू मार्केट, दे आर हेल्पिंग यू इन टेक, दे आर हेल्पिंग यू इन टीम हायरिंग ऑफ टीम, हाउ टू हायर टीम, ऑल दैट. आज की डेट में इतने कॉर्पोरेट के ओपन इनोवेशन प्रोग्राम्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं जो कि स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे हेल्थ केयर हो चाहे एंटरप्राइज टेक हो, चाहे फिनटेक हो, चाहे कंज्यूमर टेक हो, चाहे ब्लॉकचेन हो. आज की डेट में कॉर्पोरेट्स बहुत काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ टू हेल्प देम ग्रो. एंड इसमें स्टार्टअप्स का भी फायदा है, बिकॉज दे गेट डायरेक्ट एक्सेस टू टन्स ऑफ कस्टमर्स इफ़ यू गेट थ्रू द होल प्रोग्राम, और इफ़ यू दैट्स अ फास्ट ट्रैक प्रोग्राम टू रीच आउट टू अ कस्टमर वाया कॉर्पोरेट्स. एक और तरीका है कि इफ अ कॉर्पोरेट लाइक्स यू, दे गिव यू द वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड आई हैव सीन दैट विद सो मेनी स्टार्टअप्स,
in India, working with, piloting with corporates and coming out as a winner in terms of business, in terms of investments. And if they like you, they do strategically invest in you. They do take you out to their vendors outside, which to their customers. Investment ke alawa bhi, agar aap in logon ke paas jaate ho, chahe wo corporates hai, chahe wo investors hai, wo aapko in cheezon mein bhi help karte hain. And that is your job. Investors ne to aapne invest kiya hai, isliye wo help kar raha hai. Lekin corporate का भी इसमें सबसे बड़ा फायदा है. इंस्टेड ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम कॉलेजेस, दे विल हायर द होल टीम विद देम, और दे विल मेक यू, दे विल डू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यू, ताकि दे डोंट हैव टू स्पेंड लैक्स एंड टेन टन्स ऑफ लैक्स जस्ट टू ट्रेन अ टीम. दे वुड रादर वर्क विद द टीम, सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑल्सो एंड हेल्प यू गाइज ऑल्सो टू अनदर लेवल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. सो या, दैट्स आई थॉट आई वॉन्टेड टू शेयर. Right? It's a very basic and a small insight which normally nobody focuses on that. हमें हर बार यही लगता है कि नहीं यार, हमें अगर किसी कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, अरे वो मुझे कस्टमर के पास ले जाएगा. वो कस्टमर का तभी लेके जाएगा जब आप उसका इंडिया में सोल्यूशन सॉल्व करोगे. और यू हैव टू प्रूव योर वर्थ टू अर्न एनीथिंग इन लाइफ. इट्स नथिंग टू डू विद स्टार्टअप्स. इन्वेस्टर तभी लेके जाएगा, ऑब्वियसली उसने इन्वेस्ट किया हो, लेकिन पैसे के अलावा भी वो बहुत कुछ करते हैं स्टार्टअप्स के लिए. तो या, मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए कि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि इन पैसे के अलावा और क्या, कैसे हेल्प होती है हमारी, इन्वेस्टर्स कैसे करते हैं, वो ये चीज़ भी करते हैं. तभी एक राउंड रेज होता है, फिर एक डेढ़ दो साल में दूसरा राउंड रेज करते हैं, तीसरा राउंड. बिजनेस ऐसे ग्रो होता है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द टीम, जो उसके सपोर्टर्स हैं वो भी उस टीम को हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो. सो माई नेम इज़ ध्रुव सेहरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग.